गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हो फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कोई न्यू आया है तो, पुराने लोग प्लीज़ शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो तीन चार क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं इसमें शुद्ध, मतलब इसमें बाकी शुद्धि वाले। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ, इस दिन मंदिर जाता हूँ, बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाता हूँ। तो एक चीज़ याद रखो, मंगलवार जब आ गया ना तो ऑटोमेटिकली मंगलवार को दिन ही है, ऐसा तो है नहीं मंगलवार कोई रात है, तो इसके साथ दिन नहीं लगाएंगे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, वह दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में रहता है, उसके घर में केवल मात्र एक चारपाई। तो देखो एक तो केवल मात्र, कोई एक ही यूज कर लो, केवल एक चारपाई है या मात्र एक चारपाई, तो एक यूज होगा इसमें से कोई, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लगभग 900 वर्ष पूर्व, यह 18 दिन तक चला। तो देख रहे हो हम जल्दबाजी में इसे ना पांडवों पड़ जाएंगे, मगर ये मांडवों लिख रहा है, इसलिए आंसर ए। पिछले साल एक रेल दुर्घटना हुई, जालमान का काफ़ी नुकसान हुआ, इसमें नहीं आएगा, पिछले साल हुई ना जिसमें आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, जिसमें। अब देखिए कितनी छोटी सी पारी की है, तो ये हम लोग ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर, तो आप लोगों को ध्यान देना है। और आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी। यही DSSB में आ जाएगा ना, और टाइम बढ़ेगा तो समझ में नहीं आता। जातिवाचक संज्ञा बतानी है, तो संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 5। भाववाचक और द्रव्यवाचक जो होती है ना, हमेशा एक वचन में होती है, याद रखना। शहर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। बाकी हिमालय, गंगा, कालिदास, ये क्या है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, आप कहाँ जा रहे हैं, रेखांकित पद में सर्वनाम बताना, तो सर्वनाम के भेद कितने, 6। कौन कौन से, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 11, याद रखना। तो आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप क्या है, पुरुष, कौन सा है, मध्यम पुरुष, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आवाज़ पे ध्यान दिया करो, ठीक है। और निज में क्या आता है, स्वयं, खुद, याद रखना। संबंध में क्या आता है, जोसो, ठीक है। नेक्स्ट, वे दोनों कहाँ गए, दोनों मतलब समुदाय, दोनों में मतलब क्या आता है, समुदाय, याद रखना। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द कौन सा इसमें से नहीं है, तो देवनागरी लिपि अच्छी है, देवनागरी अच्छी है, ऐसे याद रख लो। और ये तीनों क्या है, पुल्लिंग है। एक चीज़ याद रखना, फरवरी अगर आप बोल के देखोगे ना, फरवरी अच्छी आएगा, मगर फरवरी क्या होता है, पुल्लिंग होता है, याद रखना, ये अपवाद में लिख लेना, इंपॉर्टेंट बनेगा। दही याद कर लेना, दही भी पुल्लिंग होता है। और व्याकरण, ये तीन शब्द ऐसे बता रहा हूँ ना, इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं, हद से ज़्यादा, और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसमें स्त्रीलिंग लगा जाओगे, स्त्रीलिंग नहीं होंगे, व्याकरण भी पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग और ये भी पुल्लिंग। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा एक वचन नहीं है, तो देखो होश क्या होता है, कितनी बार बताया मैंने बहुवचन, होश, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू ठीक है और प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, होश, दर्शन, लिखो, ये सब क्या होते हैं, बहुवचन में आते हैं, सदैव बहुवचन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ए। देखो एक चीज़ याद रखना, जनता सदैव एक वचन में होता है, सदैव एक वचन में आता है जनता। नेक्स्ट, भौतिक, इसका उचित विलोम बताना है, भौतिक का क्या हो जाएगा, भौतिक का हो जाएगा आध्यात्मिक, ठीक है। लौकिक का अलौकिक, औपचारिक अनौपचारिक, और वैधानिक का क्या हो जाएगा, इसका आप लोग बताना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से अशुद्ध बताना है, तो देखो जागृत ऐसे लिखते हैं, जागृत का विलोम होता है सुषुप्ति, याद रखना। गरिष्ठ में ना ठा आता है, याद रखना, ठीक, तो इसमें दिक्कत है। अब ये याद रख लेना, क्या न्योछावर में एक मात्रा होती है, इसमें भी एक मात्रा होती है, इन दोनों में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या है, ये। नेक्स्ट, विवेक ने आम, अमरूद और केले खरीदे, तो देखो आम के बाद क्या आना चाहिए था, अल्पविराम आना चाहिए था, ये अशुद्धि। अल्पविराम सबसे ज़्यादा यूज होने वाला विराम चिन्ह है, मगर हम लोग बहुत ही कम करते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। विराम चिन्ह कितने हैं, 20, उसमें से एक हिंदी का है पूर्ण विराम, बाकी 19 इंग्लिश के, कामता प्रसाद गुरुजी ने बताए, ठीक है, याद रखना। और पूर्ण विराम ऐसे लगेगा, और उद्धरण चिन्ह, उद्धरण इस तरीके से, योजक इस तरीके से, और निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है, इसे पादबिंदु कहते हैं, ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, हिमालय से गंगा निकलती है, बाकी में कारक बताना है, तो कारक की संख्या है 8, और कारक को ही आप क्या बोलते हैं, परसर, याद रखना।
जब कोई चीज़ एक दूसरी चीज़ से अलग होती है ना, तो वहाँ अपादान होता है, ठीक है। और याद रखने वाली चीज़ संप्रदान में है कुछ। जब भी हम कोई चीज़ दान में देते हैं ना, जब भी कोई, जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तो आता तो कोई मगर होता वहाँ पर संप्रदान है। जैसे हमें राम को खीर पसंद है, राम को मिठाई पसंद है, कोई भी चीज़ हमें पसंद होती है ना, तो वहाँ पर भी क्या होता है, संप्रदान। तो ये दो फैक्ट अलग से याद रख लेना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। तो बाकी में अव्यय किस प्रकार का है, तो मेहनत के बिना, तो क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है ना मेहनत का सफलता से, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्रिया विशेषण चार प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीत, प्रमाण। शाहरुख खान, राहुल पांडे, इस तरीके से थोड़ा सा याद रख लो। ऐसा मत सोचना कि मैं इससे तुलना कर रहा हूँ, ये जस्ट एक ट्रिक है। नेक्स्ट, अतुल ने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण होता, मतलब ऐसा होता तो वैसा होता। एक चीज़ दूसरे पे जब आश्रित होती है ना, तो उस हेतु मत कहते हैं। संदिग्ध में हमेशा आपको होगा मिलेगा आखिरी में, ठीक है। अपूर्ण कोई चीज़ होगी ना, अपूर्ण भूतकाल या वर्तमान काल, उसमें रहा आएगा, आंसर ए हो जाएगा। और ये क्या है, वाक्य अर्थ के आधार पर आठ प्रकार का, रचना के आधार पर तीन प्रकार का होता है, ठीक है, याद रखना। पूछ लूँगा उपसर्ग इसमें से कौन सा नहीं, उपसर्ग आगे लगते हैं शब्द के या आदि में लगते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, संस्कृत के याद रखो, वैसे उर्दू के याद रखना चाहो 19 तो याद रख लेना, हिंदी के 12 यूज करते हैं 10। उपसर्ग किस में नहीं है, देखो अनार में नहीं है, इसमें देखो अधि है, इसमें अ और नहीं, इसमें अधि और अनु, ठीक है, और बाकी इसमें नहीं है, जिसमें नहीं है वो याद रखो, अनार पूर्ण शब्द है एक, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से अशुद्ध बताना है, अशुद्ध कौन सा है, तो वृक्षों पर मोर बोल रहे हैं या वृक्ष पर मोल बोल रहा है, एक तरीके से बन सकता है, ठीक है, या तो वृक्षों पर मोल बोल रहे हैं कर लो, या वृक्ष पर मोर बोल रहा है ऐसे कर लो, कोई एक तरीका करो। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ याद रखना, कवित्री शुद्ध लिखना सीख लेना, ये बहुत आता है, ठीक है। नेक्स्ट, देव्यागमन, सही संधि विच्छेद बताना, तो देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन, इसमें कौन सी, यण स्वर संधि है, या और बात से पहले जब भी कुछ अधूरा वर्ण आ जाए ना, तो उसे क्या कहते हैं, यण स्वर संधि। नेक्स्ट, दूध रोटी, दूध और रोटी, समास का विलोम क्या है, व्यास, समास का अर्थ है संक्षेप, समास पदों की प्रधानता पर चार प्रकार का, अर्थ के आधार पर छः प्रकार का, द्वंद समास तीन प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब वही भाव में पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा या अन्य दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट, देव आश्रित, देव पर आश्रित, तो अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में आता है ना मैं पे पर, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, तम पुंज, तम मतलब होता है अंधकार, अंधकार का पुंज, तो संबंध का की के आता है ना, तम का पुंज होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, मैं आपके घर नौकरी कर सकता, मैं आपके घर नहीं, मैं आपके घर नौकरी नहीं कर सकता, मैं की जगह सीता लगा के देखो, सीता आपके घर नौकरी नहीं कर सकती, तो बदल रहा है ना इसके अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृत, कर्म, भाव। नेक्स्ट, नाक कटी पर गीतो चाटा, मतलब निरल जो होकर कुछ पाना, ठीक है। लोकोक्ति क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है, और क्या होती है, पूर्ण वाक्य होती है, वाक्य में यूज नहीं करना होता, यही केवल सिंगल बोल दो वाक्य है पूरा। अमित के विद्यालय पहुंचते ही घंटी बजी, तो वाक्य सरल है, ये रचना के आधार पर तीन भेद हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, बिन पद चले बिना सुन काना, और मतलब बिना कारण के भी काम हो रहा हो, मतलब कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है विभावना अलंकार, ठीक है। अलंकार ऐसे याद रखो, शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। शब्दालंकार में आता है अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, अर्था में क्या आता है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये थोड़ा याद रख लो, डायरेक्ट पूछ लेता है। हाल ही में इजराइल के ना राष्ट्रपति चुने गए, तो एक चीज़ याद रखना, किसी को बिल्कुल भी शक नहीं है, जब हमारी लड़ाई हुई थी ना 1999 में, जब हमारी 1999 में कारगिल वार हुई थी ना, तब इसराइल ने ना हमें ड्रोन सप्लाई किए थे, जबकि पूरे यूएसए से हमारी बात हुई थी, यूएसए ने बंद कर दिया था देना, मगर इसराइल ने हमें सपोर्ट किया था, सारी दुनिया खिलाफ हो गई थी उसमें, जब हमारा कारगिल युद्ध हो रहा था, तो कोई शक नहीं है इसराइल पे कि हमारा सपोर्ट हमेशा करेगा या नहीं करेगा, हर कोई जो पूछोगे ना वो यही बताएगा कि दोस्त है इसराइल इंडिया का, तो आंसर है बी। बशर और असद, ये तो इराक के, इराक में बसर कर रखी है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसकी नियुक्ति हुई है, तो देखो पहले अपने हर्षवर्धन थे, एक साल का कार्यकाल होता है, अब डॉक्टर पैट्रिक बन गए, ऐसे कैसे,
तुम पूछोगे हु आर यू, हु मतलब कौन हो तुम, उसने कहा तुम्हें पता नहीं है कौन हूँ, पीएटी पता, ऐसे याद कर लो। ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड का नोवेल मिला था इन्हें, याद रखना। नेकलू इन्हें विटली अवार्ड मिला था, ठीक है आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई करने वाले पहले घुड़सवार कौन बन गए, तो ये बन गए फवाद, ऐसे याद करो फवा और हवा, घोड़ा जो होता है ना, चेतक की कहानी सुनिए ना, तो वो कहते हैं ना उसमें हवा से भी तेज चलता था, तो फवाद मिर्जा। नेत्रा ये क्या है, नाभिका बन गई है पहली, और भवानी ये तलवारबाज हैं, और विनेश फोगाट ये क्या है, कुश्ती लड़ती हैं, ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बनेगा वो क्वेश्चन ऊपर वाला, आइसलैंड में भारत के नए राजदूत, ऐसे याद करो जब भी घर वालों से आप पूछते थे या कहते थे कि पापा आइसक्रीम खिला दो, तो वो क्या कहते कि बेटा शाम को जाऊंगा, कब खिलाने ले आऊँगा, शाम को, तो शाम को श्याम याद कर लेना, ठीक है आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, कुलदीप क्या बने थे, एनआईए के हेड बने थे, ठीक है इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने अभी किस नाम से अपना पहली कोरोना की दवाई बना ली है, तो देखो आखिरी में तो वैक्सीन है तो बैक आएगा, तो बैक एक ही में दे रखा है, आगे पाक लगा दो, चाइना की मदद से बनाइए। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सतत परिवहन सम्मेलन आयोजित किया है, तो ये किया है चाइना ने, और ये सेकंड बार हुआ है, सेकंड ऐसा संयोजन है ये सम्मेलन है, ठीक है याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बनेगा ये। ठीक है तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो बाकी अब देखो एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ कौन सा आता है, ठीक है ये क्वेश्चन आया है तो अब बताना क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर मैंने क्या बताया था, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना, कोई डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में पूछना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।